नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर समीर गुप्ता है और मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा में। पता है अभी मैंने क्या करा? मैंने अपने हाथों को एक डिसइंफेक्टेंट के साथ साफ करा। ये क्यों करा मैंने? इससे कोरोना वायरस या COVID-19, जिसके बारे में आप आजकल टीवी में मीडिया में देख रहे हैं, उसका स्प्रेड और उसका जो फैलने की संभावना होती है कम हो जाती है। ये चीज़ें आपको भी करनी चाहिए। तो आप सबके मन में ये प्रश्न होगा कि ये कोरोना वायरस है क्या, ये COVID-19 क्या चीज़ है जिसके बारे में मैं रोज़ ये टीवी में देख रहा हूँ, इसको मैं रेडियो में सुन रहा हूँ, इसके बारे में क्या चीज़ है ये? तो कोरोना वायरस एक तरह का वायरस है और जिसका आजकल नाम है COVID-19। COVID-19 कोरोना वायरस फैमिली को बिलोंग करता है। और COVID-19 एक ऐसा वायरस है जैसे कि स्वाइन फ्लू का वायरस होता है, या जो 2003 में जो महामारी हुई थी, सार्स की महामारी हुई थी, वैसा है। तो ये उस प्रकार का वायरस है जो आपके शरीर के अंदर जाकर आपको बीमार कर सकता है। तो अगर हम 2003 की महामारी को देखें, जो सार्स की महामारी थी, उसमें अन्य जो चाइना में थी और काफ़ी अन्य देशों में थी, तो उसमें अगर आप देखें तो उसमें जो 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 लोग मरे थे वो कई ज़्यादा थे, उनकी जो परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स जो मरे थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। कोरोना वायरस उसके मुकाबले में काफ़ी कम जहरीला कह सकते हैं उसको, या कम लीथल है, या फिटैलिटी रेट उसकी काफ़ी कम है सार्स के मुकाबले में, लेकिन स्वाइन फ्लू के मुकाबले में इसका नंबर काफ़ी ज़्यादा है, जिसको आज की तारीख में 2% के आसपास इसकी केस फिटैलिटी रेट है। तो हम सबको अपनी रोज़ की दिनचर्या में कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हम कोरोना वायरस से थोड़ा बचे रहें। अब प्रश्न होता है कि कोरोना वायरस क्या करता है? कोरोना वायरस अगर आपके शरीर के अंदर जाए तो इससे आपको खांसी, जुखाम, नाक बहना, थोड़ा बुखार हो सकता है। ये सिम्टम्स काफ़ी माइल्ड होते हैं और आपको लगेगा ये तो मेरी आम तौर की थोड़ा खांसी जुखाम हो गया है। लेकिन जो लोग जो बड़ी उम्र के होते हैं, जैसे कि 60 साल के ऊपर, 65 साल से उम्र की ज़्यादा लोग, अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि आपकी शरीर की जो इम्यूनिटी है वो कम है, तब आपको इसके काफ़ी सिवियर सिम्टम्स भी हो सकते हैं। और इन लोगों में हमने इसको कोरोना वायरस को जानलेवा ज़्यादा देखा है, जिसमें केस फेटैलिटी रेट इसमें ज़्यादा होता है। अब कोरोना वायरस फैलता कैसे है? कोरोना वायरस टिपिकली अगर कोई मरीज़ है जिसको कोरोना वायरस या COVID-19 का इन्फेक्शन है, तो वो अगर छींकेगा, वो खांसेगा, तो वो उसकी जो 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 छींटे आते हैं, थूक की छींटे हवा में आती हैं, वो जाकर कहीं बैठ जाए, अगर टेबल चेयर कहीं बैठ जाए, आपका हाथ वहाँ लग गया, और फिर वो हाथ आपने अपने फेस के आसपास लगा दिया, तो फिर वो आपके शरीर में थ्रू द नोज़ अंदर जा सकता है और आपको COVID-19 का इन्फेक्शन हो सकता है। अब COVID-19 का इलाज कैसे करते हैं? अब COVID-19 के लिए आज की तारीख में कोई एंटीबायोटिक नहीं है, तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो इसको हम जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट, यानी कि अगर आपको बुखार हो रहा है तो उसको पैरासिटामोल देना, अगर आपको खांसी जुखाम हो रही है तो उसके लिए दवाई देना, लेकिन COVID-19 पर से के लिए हमारे पास आज की तारीख में कोई एंटीबायोटिक नहीं है। और इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सपोर्टिव होता है कि आपकी बॉडी, हम सपोर्ट करते हैं आपकी बॉडी को और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इसको फाइट करके ख़त्म करती है। तो ये COVID-19 का इलाज ऐसे होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, आज की तारीख में व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, दुनिया भर की आपको गलत खबरें मिल रही हैं कि आप इसका इस्तेमाल करिए, ये पत्ता खाइए। साइंस के विज्ञान के अनुसार आज की तारीख में इसका कोई महत्व या इसका कोई उपयोग COVID-19 के लिए नहीं है। तो ज़रा सोच समझ के इन उपयोगों का इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको खांसी, जुखाम, बुखार है और आप किसी के पास गए हैं जिसको हो सकता है कि COVID-19 है, तो आप ज़रूर अपने करीबी अस्पताल में जाइए और अपनी जांच कराइए। आज की तारीख में हर आदमी को 24 घंटे मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी मेडिकल एसोसिएशन ने ये भी कहा है कि दुनिया भर में मास्क की शॉर्टेज हो गई है। तो आप जो हैं मास्क उनको दीजिए जो या तो COVID-19 के पास आए हैं,
या जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, जो लोग बीमार लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके लिए मास्क की ज़रूरत है। या अगर आप 60 साल से ऊपर हैं, जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं या जिनको जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो उन लोगों को मास्क पहनने की बेनिफिट हो सकता है। लेकिन हर आदमी को 24 घंटे मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। मास्क की शॉर्टेज हो गई है। मास्क हमें उन लोगों के लिए भी बचा के रखना चाहिए जो लोग इन बीमार लोगों का इलाज कर रहे हैं। अन्य लोग मेरे से आके ये भी पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब, क्या हम होली का जो महोत्सव है उसको क्या हम बाहर जाएं, होली मिलन करें? देखिए, अगर हम कॉमन प्लेसेस में जाएंगे जहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठी हुई है, तो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि इस साल होली मिलन अपने घर पर ही करिए और ज़्यादा कम्युनिटी प्लेसेस में ना जाइए। इन सब का समराइज करके कहा जाए तो कोविड 19 एक नया वायरस है जो आजकल एक महामारी बन रहा है, लेकिन आप इससे बच सकते हैं कॉमन सेंस चीज़ों का इस्तेमाल करके, अपने हाथ को वॉश करके, पब्लिक प्लेसेस में ज़्यादा नहीं जाकर, बीमार लोगों से थोड़ा दूर रहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोविड 19 हो